कोरोना वायरस से देश भर में मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में जम्मू पुलिस दिन रात मेहनत करके जवानों के लिए मास्क और बॉडी सूट बना रही है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाहनवाज खान। कोरोना वायरस का जितना बड़ा खतरा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए है, उसी तरह से ये खतरा जो है पुलिस के लोगों के लिए भी है, जो लगातार अलग अलग हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड के बाहर ड्यूटी दे रहे हैं या फिर लॉकडाउन के बीच अलग अलग जगह पर ड्यूटी दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा यही लोग हैं जो इस बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अब अपने सभी जवानों और सभी ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर मास्क और बॉडी सूट जो है वो यहाँ पर तैयार कर रही है और बड़े पैमाने पर इसके लिए यहाँ पर काम जो है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के बॉडी सूट जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के लिए बनाए जा रहे हैं। खास तौर पर ये जो बॉडी सूट हैं ये उन जवानों को दिए जाएंगे जो मेडिकल कॉलेजेस में ड्यूटी दे रहे हैं और जहां पर लगातार कोरोना वायरस के पेशेंट्स जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा यहां पर मास्क बनाए जा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के हर एक जवान तक पहुंचाए जाएंगे। फिलहाल जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उधर अलग अलग जगह पर ये मास्क और सूट बन रहे हैं। जम्मू में 800 से 900 मास्क जो है वो डेली बन रहे हैं। साथ ही जो बॉडी सूट है ये भी 80 से 90 बॉडी सूट जो है वो डेली यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के जो पुलिस के जो DGP हैं उन्होंने जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से ये मास्क और बॉडी सूट बनाना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे अब जम्मू कश्मीर के हर जवान तक ये मास्क और बॉडी सूट जो है वो पहुँचाए जा रहे हैं। जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।